हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो फिर हम बात कर लेते हैं स्कूलों के जो यहाँ पर दाखिले हैं उसके घपले को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में चल रहे एडमिशन घपले पर जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जो है जाँच बिठा दी है। और आरोप है कि प्रदेश में जो है कई निजी और सरकारी स्कूल जो है यहाँ पर छात्रों से यहाँ पर जो है उनके पूर्व के स्कूल का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है TC मतलब, तो उन पर जो है बिना जो है यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 9 तक जो है एडमिशन करा लिए हैं ऐसा हमें बताया गया है। और CBC और ICSE स्कूल की यहाँ पर शिकायत पर जो है विभाग ने यहाँ पर जो है जाँच का फैसला किया है। और कुछ समय पूर्व जो है हाईकोर्ट भी यहाँ पर जो है इस बात पर कार्रवाई के आदेश दे चुका है। तो यहाँ पर जो है जिनका एडमिशन यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ पर बिना TC के हो रखा है उन पर यहाँ पर जाँच करने की शुरू हो चुकी है और आदेश जारी हो चुके हैं। और इन बिंदु पर यहाँ पर जाँच होगी कि पिछले वर्षों में जो है नए एडमिशन वाले जो छात्र होंगे उसके दस्तावेज की यहाँ पर जाँच होगी और बिना जो TC एडमिशन वाले जो अभिभावक हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और दूसरा है कि ऐसे स्कूलों में जो है वह PT से भी यहाँ पर जो शिकायत के संबंध में लिखित प्रमाण पत्र लिए जाएंगे और प्रबंधक समिति को भी जो है इस बात पर जो है प्रमाण पत्र देना होगा। और वहीं यहाँ पर यदि किसी स्कूल में फर्जी TC बुक पाई जाती है तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर संबंधित स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उसको यहाँ पर जो है इस बात पर जो है प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो इन पर जो है यहाँ पर इस तरह के होगा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर 3 साल से यहाँ पर एक जगह तैनात अधिकारी हटाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो है CS मुख्य चुनाव अधिकारी को जो है निर्देश जारी किए हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। और यहीं जो चुनाव आयोग है उनने जो है प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू और यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को यहाँ पर जो है एक प्रपत्र भेजा है। इसमें यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी यहाँ पर जो है 3 साल से एक ही जगह पर यहाँ तैनात है वो जो है उनको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार जो है पहले से यहाँ पर तैयार कर रखी है जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर 3 साल से जो रुके हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। और वहीं यहाँ पर दिसंबर माह में लग सकती है आचार संहिता। तो आचार संहिता तो उत्तराखंड में जो है विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर जो है आदर्श आचार संहिता जो है दिसंबर माह में लग सकती है। और राज्य का जो है निर्वाचन जो यहाँ विभाग है चुनावी तैयारी में जुट गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर JEE एडवांस परीक्षा को लेकर, तो मृदुल ने बनाया इतिहास। तो यहाँ पर देखते हैं JEE एडवांस में जो है 96.66% अंक मृदुल ने यहाँ पर जो हासिल किए और अब तक का जो है सर्वाधिक जो है यहाँ पर परसेंटाइल सबसे अधिक परसेंटेज इस साल यहाँ पर आया हुआ है। तो IIT की प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है JEE एडवांस 2021 के लिए यहाँ पर जो है शुक्रवार को जारी नतीजे में जो है दिल्ली जोन के जो मृदुल अग्रवाल हैं उन्होंने यहाँ पर पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है और छात्र वर्ग में जो है दिल्ली जोन की यहाँ पर जो है काव्या चोपड़ा ने अव्वल किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन IIT खड़गपुर द्वारा जो है जारी परिणाम में जो है यहाँ पर जयपुर निवासी 17 वर्षीय जो मृदुल हैं उनको यहाँ पर जो है 360 में से यहाँ पर जो है 348 यहाँ पर अंक प्राप्त किए हुए हैं जो कि इनका प्रतिशत यहाँ पर 96.66% यहाँ पर लेकर नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया गया है। और इससे पहले जो है 2012 में JEE एडवांस टॉपर जो कि 401 में से यहाँ पर 385 अंक यहाँ पर 96% लेकर यहाँ पर आए हुए थे लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग की अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं UPSC के द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी की जो है परीक्षा 28 नवंबर को यहाँ पर करी जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्र अधिकारी के रिक्त 46 पदों पर जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो है आयोजन 28 नवंबर रविवार के दिन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा बताया गया है। और 11 अगस्त 2021 को यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था वन क्षेत्र अधिकारी पदों को लेकर। और इसके लिए जो है यहाँ पर वेबसाइट पर जो है 13 नवंबर से आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। तो वहीं बात करें यहाँ पर आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है तो उत्तराखंड के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस के पद पर जो है आवेदन करने का मौका मिला है। तो यूनियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लिमिटेड में वैकेंसीज आई है आपकी 242 पदों पर। इसके लिए जो है यहाँ पर फिल्टर है और यहाँ इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, प्लम्बर है, तो इन पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इसके लिए जो है आप जो ये वेबसाइट जारी किया हुआ है इसमें जाकर जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक और वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट सहित जो है कई पदों पर जो है अवसर। तो भारतीय तकनीकी संस्थान कानपुर में यानी कि IITK में जो है यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और यहाँ पर हिंदी ऑफिसर, ठीक है, अन्य पोस्ट है 94 पोस्ट पर यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल के आई हुई हैं। और 21 से 30 वर्ष के 35, 40, 50 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है IITK.ac.in यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर स्टाफ नर्स के पदों पर जो है आवेदन करने का मौका यहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में जो है वैकेंसी है स्टाफ नर्स की 275 पदों पर निकल के आ रखी है।
और इसके अनुसार जो यहाँ पर 1,000 रुपये आवेदन शुल्क, 500 रुपया और यहाँ पर 250 रुपया है अलग अलग वर्ग के अनुसार। तो यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए भी। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की भर्ती में जो है यहाँ पर छूट की मांग उठी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन अर्हता रखने की जो है कर रहे हैं मांग। तो यहाँ पर जो है ओटी टेक्नीशियन के मेडिकल कॉलेज में जो है निकली ओटी और यहाँ पर जो है सीएसएसटी टेक्नीशियनों के यहाँ पर पदों पर जो है डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन अर्हता यहाँ पर रखने की मांग उठाई है। और यहाँ पर टेक्नीशियनों ने कहा है कि यहाँ पर इसके लिए जो है यहाँ पर चयन बोर्ड की ओर से यहाँ पर जो है सीएसएसटी टेक्नीशियन मांगा गया है और इसमें जो यहाँ पर आवेदन से वंचित रहेंगे। तो ऐसे में जो है इनकी मांग उठी है कि सिर्फ यहाँ पर जो है ओटी टेक्नीशियन यहाँ पर अर्थ रखा जाए। इस तरह से यहाँ पर इनकी मांग चल रखी है और कई पद यहाँ पर वैकेंसी आए हुए हैं। लगभग जो है यहाँ पर 125 पदों के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर यहाँ पर चेंज नहीं होता है तो ये कई अभ्यर्थी यहाँ पर इस फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर 125 पदों पर जो है जो भर्ती आई है इसकी मांग इन्होंने कर रखी है। और वही बात करें यहाँ पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों को यहाँ पर मिले 51 LT शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रुद्रपुर जिले के जो है अटल उत्कृष्ट स्कूल को यहाँ पर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए यहाँ पर 51 LT शिक्षक मिल गए हैं। और साथ ही जो है इन स्कूलों में जो है यहाँ पर प्रवक्ता कैडर के पद पर भी यहाँ पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। और देहरादून में जो है हुई काउंसलिंग के बाद जो है यहाँ पर इन शिक्षकों की तैनाती यहाँ पर की गई है। और ऊधमसिंह नगर में सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जहाँ पर विद्यार्थियों की जो है यहाँ पर CBSE बोर्ड से यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए यहाँ पर जो है राजकीय शिक्षकों की यहाँ पर जो है विभागीय परीक्षा और यहाँ पर काउंसलिंग के बाद तैनाती यहाँ पर दी जा रही है। और जिले में जो है पर अटल उत्कृष्ट स्कूल योजना के तहत कुल जो है 14 राजकीय इंटर कॉलेज का यहाँ पर जो है चयन हुआ है। और मानकों के अनुसार यहाँ पर प्रति विकास खंड जो है दो दो अटल उत्कृष्ट स्कूल यहाँ पर चयनित किए गए हैं। और यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि यहाँ पर जो है जिले के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है पर देहरादून में हुई काउंसलिंग के बाद जो है LT ग्रेड के यहाँ पर जो है शिक्षक शिक्षाओं व प्रवक्ताओं की यहाँ पर जो है तैनाती की जा रही है। और अब तक जो यहाँ पर LT ग्रेड में यहाँ पर 51 शिक्षक शिक्षाओं की तैनाती हो चुकी है। और इंटर कक्षाओं के लिए यहाँ पर जो है प्रवक्ता पदों पर भी यहाँ पर तैनाती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो प्रवक्ता पदों पर तैनाती चल रही है और 51 जो यहाँ पर LT शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर जो है नियुक्ति कर दी जा चुकी है अटल उत्कृष्ट स्कूलों में। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में, देखिए एक गुरुजी और यहाँ पर देखते हैं 273 शिष्य हैं तो कैसे सुधरेगा भविष्य। तो यहाँ पर देखते हैं पत्री की बात है तो यही जो है सरकार ने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दावे यहाँ पर किए हैं। और सरकारी स्कूल में जो है पठन पाठन का यहाँ पर माहौल नहीं बन पा रहा फिर भी। और किसी स्कूल में जो है मानकों से ज़्यादा जो है शिक्षक की तैनाती है और कहीं तो यहाँ पर छात्र संख्या के अनुपात में जो है शिक्षक ही नहीं है। और वहीं यहाँ पर पत्री क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर जो है हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है 63 जो यहाँ पर हिस्से ही पाने वाले जो यहाँ पर हैं 273 बच्चों पर यहाँ पर एक ही यहाँ पर शिक्षक की तैनाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 273 बच्चों पर एक शिक्षक यहाँ पर तैनात हैं। और कोरोना के बाद जो है 1.5 साल बाद जो है यहाँ पर 16 अगस्त से प्राइमरी स्कूलों का को भी यहाँ पर जो है खोल दिया गया है। और जिससे यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में जो है अभी कक्षा 1 से 5 तक के जो है बच्चों की यहाँ पढ़ाई का कार्य ऑफलाइन यहाँ पर होने लगा है। और वहाँ पर पत्री क्षेत्र के सरकारी स्कूल में भी शिक्षकों का यहाँ पर जो है टोटा बना हुआ है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है 30 छात्रों पर जो यहाँ पर एक अध्यापक की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 9-9 अध्यापकों का काम यहाँ पर एक अध्यापक कर रहा है ऐसा बताया गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इनका स्कूल में जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद एक ही शिक्षक यहाँ पर काम कर रखा है। और शिक्षकों की तैनाती की उठ रही मांग तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीर कुमार कर्णवाल है और इनके नाम हम लिखे गए हैं। और इनका कहना है कि शिक्षकों का कहना है कि यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो है विद्यालय में जो यहाँ पर शिक्षकों की कमी की ओर जो है पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि अपनी अपनी मांग उठा के कि ताकि यहाँ पर जो है तैनाती हो और चाहे वहाँ पर अटैचमेंट करके जो है तैनाती करें या सीधी भर्ती से। तो इस तरह से इनकी मांग चल रखी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन पद पर जो है यहाँ पर भर्ती हो या मतलब कि पोस्ट की नियुक्ति यहाँ पर करते ताकि यहाँ पर शिक्षक मिल सकें। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए जो है काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जो आपके यहाँ पर UPSC कुछ टाइम के बाद जो है भर्ती निकालेगा उस पर जो है यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका प्रधानाध्यापक बनने को यहाँ पर जो है 2023 तक जो है PhD अनिवार्य नहीं। तो बिना PhD के जो है आप अब
प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि देश और प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब PhD अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर UGC ने यहाँ पर ऐसा सिर्फ जो यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2023 तक यहाँ पर के लिए किया गया है। तो इस संबंध में यहाँ पर जो है UGC सचिव रजनीश जैन की ओर से यहाँ पर जो है समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को जो यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो UGC ने यहाँ पर जो है जितने भी विश्वविद्यालय उन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यानी कि अब जो है आपके सब पर लागू हो जाएगा, यानी कि जो उत्तराखंड में अब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी उस पर भी यह लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव गिरीश अवस्थी ने बताया कि यहाँ पर जो है COVID-19 के मद्देनजर यहाँ पर जो है UGC के 1 जुलाई 2021 से यहाँ पर 23 तक होने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में यहाँ पर जो है PhD की अनिवार्यता पर जो है यहाँ पर रोक लगा दी है। और UGC के फैसले के संबंध में यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों को जो है 12 अक्टूबर को नोटिस भी यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया था। तो 12 अक्टूबर को नोटिस जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर यह राहत इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा संस्थान में खाली पड़े पदों पर जो है जल्दी भर्ती यहाँ पर की जा सके। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है और देश में जो है यहाँ पर UGC नेट उत्तीर्ण हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है यह एक गोल्डन चांस है। और UGC ने यहाँ पर जो है भर्ती में PhD अनिवार्य करने की समय सीमा जो है बढ़ा दी है। और UGC यहाँ ने 2018 में आदेश जारी किया गया था कि यहाँ पर असिस्टेंट जो प्रोफेसर भर्ती है उसके लिए जो है PhD की जो अनिवार्यता है 1 जुलाई 2021 तक यहाँ पर लागू हो गई। यानी कि जो है PhD कर चुके छात्रों की असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर जो के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर है, जो PhD करे हुए अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी अपेयरिंग में है वो भी जो है फॉर्म भर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा विभाग सर की ओर से जो है विज्ञप्ति काउंसिलिंग यहाँ पर जारी करी गई है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जो चयनित अभ्यर्थी जनपद स्तर पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रखी थी उनकी काउंसिलिंग थी उनमें से यहाँ पर जो है 26 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और शेष जो यहाँ पर 16 पदों पर जो है प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग होगी वो 21 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के जो है सभागार में प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनका यहाँ पर नाम मतलब कि 1-2 नंबर से रुक चुका था उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। 16 अभ्यर्थियों का टोटल नाम है, उनकी लिस्ट वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी वेबसाइट में आई नहीं है तो जैसे ही वेबसाइट में आएगा आपको कन्फर्म बता दिया जाएगा कब यहाँ पर जो है किस किस का नाम आया हुआ है, ठीक है। और स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर डाल दी गई है ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इनमें जो है यहाँ पर जितने भी आपके समस्त प्रमाण पत्र हैं उनको यहाँ पर 2-2 फोटो कॉपी लेके अपने मूल प्रमाण पत्र सहित जो यहाँ पर 21 अक्टूबर जो है 11 बजे बागेश्वर के यहाँ पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कहा गया है।